गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज 11:45 हो रहे हैं, मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइज मैं फिलहाल अभी अपने फुआ घर में हूँ। तो गाइज कल के ब्लॉग में मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं पाई भाई की वाइफ हूँ, इसे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये कहा है और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे आई है और भी फ्रंट फेस पे आई है जो यानी कि उसने बोला है। तो गाइज थोड़ा शर्मा रही थी, तो मैंने समझाया कि कोई बात नहीं है। गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कि एक लाख भैया ने मुझे जो सरप्राइज़ दिया है आज मॉर्निंग में, वो देखकर गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मैं बता नहीं सकता हूँ गाइस, मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। हालांकि गाइस मैं आसनसोल में हूँ, उनका मैं 1K सेलिब्रेट तो नहीं कर पाया पर मिस बहुत ज़्यादा किया। तो एक लाख भैया थैंक यू कि आपने मुझे ऐसा सरप्राइज़ किया। और क्या बोलूँ गाइस, बहुत अच्छा लगा कि एक लाख भैया ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार करते हैं वो लोग मुझे। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो गाइस आज मैं फाइनली आया हूँ अपने भाई के घर, जिनका नाम है दीप मेहरा। वो आसनसोल में पूरा फेमस है गाइस, दीप मेहरा। वो हालांकि अभी उन्होंने एक शूटिंग की है बैंग बैंग की, मैं वो वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। इतनी ज़बरदस्त वो शूटिंग है गाइस, मैं तो खुद शौक हूँ कि भैया ने इतनी ज़बरदस्त शूटिंग कैसे की है। गाइस आप भी वीडियो का आनंद लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि गाइस वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो गाइस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा गाइस। और मेरे भाई का भी चैनल है दीप 38 ब्लॉग, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस दीप भैया से बात करते हैं कि उनकी शूटिंग कैसे चल रही है। हाय गाइस, तो बस शूटिंग मेरी लास्ट एक सीन बाकी है, एक शूट कंप्लीट हो जाएगा सर, इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस दीप भैया ने जैसे कहा कि उनकी शूटिंग चल रही है और इसी मंथ कंप्लीट होने वाली है, तो शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। तो गाइस चलते हैं, आज दीप भैया के साथ में घूमेंगे, देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं भैया, क्या दिखलाते हैं मुझे। तो गाइस उसके बाद मैं जाने वाला हूँ मार्केट अपनी वाइफ को लेकर और मॉम को लेकर। तो चलते हैं, पहले तो फटाफट से घूम के आते हैं और देखते हैं गाइस आज का वेदर क्या है और कैसा है। गाइस मैं घर से फाइनली निकल चुका हूँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो भैया ने कहा है कि पानी की बॉटल वगैरह ले लेते हैं ताकि बीच में हमें रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम अपने डेस्टिनेशन पर जाकर रुकेंगे। तो गाइस अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want to say. तो गाइस मैं फाइनली पहुंचा हूं पार्क में, और पार्क तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल है, और वोटिंग भी हो रही है, पर वोटिंग अभी बंद हो चुकी है क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो अभी वोटिंग नहीं हो सकती है गाइस। हमने कोशिश की बात करके वोटिंग कर लें,
पर वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम में 4 बजे वोटिंग हम लोग करने देंगे। तो गाइस वोटिंग तो नहीं हो सकती है, बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और पार्क में घूमते हैं, कैसा पार्क है, क्या क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर समय हो जाएगा तो वोटिंग करेंगे, वरना शाम में आके कर लेंगे। इसमें क्या बात है, वो तो घर के पास ही है। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying. तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सेंट्रम मॉल। तो वहाँ पे से गाइस जगह कुछ खाएंगे पिएंगे फिर चलते हैं घर। तो गाइस मुझे 2 भैया मिले हैं जो हमारे सपोर्टर हैं। तो कैसे भी आप लोग, काफी अच्छा लगा आप लोग। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I तो भैया टैटू बना के आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो चीज़ मैं चाह रहा था वो प्रॉपरली सारा चीज़ बना है, और मेरे को इसका काम भी बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और जैसा होता है कि फर्स्ट टाइम किसी से करवाने से तो ज़्यादा बड़ा टैटू में तो पेन ज़्यादा होता है, वो चीज़ के लिए फील नहीं हुआ मेरे को, ये चीज़ लिए सर्टिफाइज हुए हमें। और जो भी है इधर पे आए, गैलेक्सी मॉल आसनसोल इधर पर आइए, टैटू बनाइए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गाइस मॉल से हम निकलते हैं घर की ओर, भूख लगी हुई है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।